Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो ये दोनों सीटें हम जीतेंगे क्योंकि उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन इन चुनाव में हमने लोगों से कहा कि आप विपक्ष धर्म निभाने के लिए हम मजबूती से और ज्यादा शिद्दत के साथ और शक्ति के साथ उसका निर्वहन कर सके, हमें ताकत दीजिए, और लोगों ने वो ताकत दी है, हमको वो समर्थन दिया है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, छठा राउंड चल रहा है, कांग्रेस आगे चल रही है, हम मंगलुरु में भी शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं और बद्री केदार में भी हम जीत हासिल करने जा रहे हैं, हिमाचल में भी कांग्रेस आगे चल रही है। वहाँ लोगों ने सुकू सरकार के स्थायित्व के लिए वोट किया है और वहाँ तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही। राव जी, जिस तरह का माहौल था मंगलोर विधानसभा उपचुनाव में, उसको किस तरह से आप इसके लिए भाजपा के सत्ता के दुरुपयोग की जितनी निंदा की जाए कम है। आपने असामाजिक तत्वों को बाहर से बुला करके गुंडों के हवाले मंगलोर को कर दिया और जिस तरीके से बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई है, बूथ कैप्चर किया गया, कोशिश कर कैप्चर किया गया, वो निंदनीय है। उत्तराखंड के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ जो यहाँ घटित हुआ, जो किया गया। और जनता ने, मैं मंगलौर के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जनता ने उसका शानदार जवाब दिया है। अब जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह राउंड वाइज राउंड आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी जीत हासिल करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी जीत हासिल कर रहे हैं। शायद सामान्य चुनाव होता तो इतनी अच्छी जीत नहीं होती, जितनी जीत जो है भाजपा ने जो है असामान्य बना दिया। लोगों ने भाजपा के गुंडागर्दी का भी जवाब दिया है, इसमें केवल कांग्रेस को ही शक्ति नहीं दी है, भाजपा के गुंडागर्दी को भी जवाब दिया है। जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया या फिर जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की गई, आपको भी धरने में बैठना पड़ा रावत जी। आपको सबको, पूरी कांग्रेस को, विपक्ष को, मैं और क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक बहुत गलत परंपरा डाल दी है जो कभी नहीं हुआ था। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है, जीत हार होती है, लेकिन भाजपा ने जनता की भावना का अपहरण करने की कोशिश की। ये तो रावण बन गए भाजपा ही लोग। एक बात बताएं, ये चोर जब चोरी करते हुए जाता है तो वो आगे की तरफ इशारा करता है, चोर 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 करके, ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान न दें। भाजपा ने अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है 10 साल से, इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, आम लोग डरे हुए लोग हैं। जिस देश के अंदर सत्तारूढ़ दल मॉब लिंचिंग करवाता हो, उसको सपोर्ट करता हो, तो आप अंदाज लगाइए उस देश के अंदर क्या क्या स्थिति होगी। जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है संस्थाओं का, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। संस्थाएं जो संविधान की रक्षा के लिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, उनका दुरुपयोग करके संविधान का भी अब अवमूल्यन किया जा रहा है और संस्था जो है जनता के अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं।